वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 की मैथ्स 1 टेक्स्ट बुक में पूरा सिलेबस रिडक्शन जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए हुआ है वो हम देखेंगे। 25% सिलेबस रिडक्शन हुआ है, हर चैप्टर में कंटेंट रिड्यूस हुआ है, चैप्टर के अंदर भी और इवन एक्सरसाइज में भी, प्रैक्टिस सेट में, प्रॉब्लम सेट में जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस उन्होंने कैंसिल किए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिलेबस 25% रिड्यूस हुआ है। तो ये देखिए, फर्स्ट चैप्टर पेज 1 पे कुछ कैंसिलेशन नहीं है। पेज 2 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में जो यहाँ लास्ट ईयर का पार्ट लिखा हुआ है, लास्ट ईयर से शुरू होके ये पूरा जो एग्जांपल 1 और पेज 2 पे वो पूरा और इवन एग्जांपल 2 जो पेज 3 पे है ये पूरा कैंसल्ड है। एग्जाम्पल 3 रहता है, ये जो 15x + 17y वाले सवाल है, जो ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसमें हमको एक बार ऐड करना है एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सॉल्व एग्जांपल जो है दिखाया गया कि एक बार ऐड करके हमको एक्स वाई में सिंपली एक इक्वेशन मिलता है और एक्स प्लस वाई में दो इक्वेशन ऐसे मिलते जो इजिली फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व हो सकते। तो ये वाला जो सम है ये है। तो इवन प्रैक्टिस सेट 1.1 में पूरा ये देखिए क्वेश्चन 1 कैंसल्ड है, पेज 4 पे क्वेश्चन 2 कैंसल्ड है, एक्सेप्ट द लास्ट टू क्वेश्चन जो इसी फॉर्म में 99 + 101 है ना, और ये 101 + 99। तो ये वाले जो 7 और 8 क्वेश्चन है वो है सिलेबस में और सॉल्व एग्जाम्पल में 3, बाकी पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा कैंसल्ड है एक्सेप्ट दीज टू क्वेश्चन। ठीक है, फिर आते हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है, पेज नंबर 7 पे भी कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है, पेज नंबर 8 पे यहाँ पे भी कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है, प्रैक्टिस सेट 1.2 आपको पूरा है, पेज नंबर 9 पे भी कुछ नहीं है, पेज नंबर 10 पे भी कुछ नहीं है। तो क्रैमर्स रूल वगैरह का जो पूरा पार्ट है वो सिलेबस में है। पेज नंबर 12 पे भी कुछ नहीं है, पेज नंबर 13 पे भी कुछ नहीं है, कैंसिलेशन कुछ नहीं है, पेज नंबर 14 पे भी कोई कैंसिलेशन नहीं है, पेज 15 पे भी कोई कैंसिलेशन नहीं है, प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा है। आगे देखिए, अब ये जो 1.3 के बाद जो यहाँ पे पेज 16 पे जो टेबल है एक्टिविटी है ये पूरी एक्टिविटी कैंसल्ड है पेज 16 पे। पेज 17 पे लेट्स थिंक कैंसल्ड है, लेट्स रिमेम्बर कैंसल्ड है, और ये पूरा सॉल्व एग्जांपल जो 1 दिया हुआ है वो कैंसल्ड है, एग्जांपल 2 भी पूरा कैंसल्ड है, लेट्स थिंक का बॉक्स भी कैंसल्ड है ऑन पेज 18। पेज 19 पे एक्टिविटी कैंसल्ड है पूरी, प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरी कैंसल्ड है, सो प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरा नहीं है। फिर पेज 20 पे कुछ कैंसिलेशन नहीं है, पेज 21 पे कुछ कैंसिलेशन नहीं है, नथिंग ऑन 22, 23 कुछ नहीं है, ये सब पूरा है आपको सिलेबस में। ये वाला सम भी है पूरा, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला सम सॉल्व एग्जांपल है, ये बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, ये सिलेबस में है। पेज 23 पे सब कुछ है, पेज 24 पे सब कुछ है, पेज 25 भी सब कुछ है, प्रैक्टिस सेट 1.5 पूरा है। प्रॉब्लम सेट 1 में भी आप देख सकते हैं पूरा है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पांचों सम्स ये जो है पूरे कैंसल्ड है प्रॉब्लम सेट में, इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। फिर आते हैं चैप्टर 2 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऑन पेज 30 कुछ कैंसिलेशन नहीं है, पेज 31 पे भी कुछ कैंसिलेशन नहीं है, पेज 32 नो कैंसिलेशन, 33 नो कैंसिलेशन, प्रैक्टिस सेट 2.1 पूरा है, ये सॉल्व एग्जांपल्स भी उसके बाद पूरे है, प्रैक्टिस सेट 2.2 भी पूरा है। यहाँ पे फिर उसके बाद कैंसिलेशन शुरू होता है, ये देखिए पेज 37 पे ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 के बाद लेट्स लर्न पूरा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ये पूरा एक्सरसाइज कैंसल्ड है, ये पूरा ये देखिए पेज इवन पेज 38 पे पूरा पेज कैंसल्ड है, पेज 39 पूरा कैंसल्ड है, प्रैक्टिस सेट 2.3 पूरी कैंसल्ड है। ठीक है, फिर पेज 40 पे कुछ कैंसिलेशन नहीं है, पेज 41 पे भी कुछ कैंसिलेशन नहीं है, पेज 42 पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पूरा ये ग्राफ पूरा ये कैंसल्ड है, पूरा पेज कैंसल्ड है पेज 42। फिर पेज 43 पे ये एक्टिविटी कैंसल्ड है, प्रैक्टिस सेट 2.4 पूरी है, पेज 44 पे भी कुछ कैंसिलेशन नहीं है, पेज 45 पे भी कुछ कैंसिलेशन नहीं है, पेज 46 पे पूरा लेट्स लर्न रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट्स, ये पूरा पार्ट कैंसिल्ड है, सॉल्व एग्जांपल भी कैंसिल्ड है पेज 46 पे, पेज 47 का एग्जांपल 2 और 3 भी कैंसिल्ड है, पेज 48 पे कैंसिलेशंस नहीं है, सॉल्व एग्जांपल से लेट्स रिमेंबर का ये फर्स्ट टू पॉइंट्स कैंसिल्ड है जो
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन, ये वाला पार्ट कैंसल्ड है। और प्रैक्टिस सेट 2.5 में भी क्वेश्चन नंबर 3, 1 का क्वेश्चन नंबर 3 कैंसल्ड है और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पूरा कैंसल्ड है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पेज 51 पे। 51 पे कुछ कैंसिलेशन नहीं है। पेज 52 पे भी 2.6 एक्सरसाइज पूरी है। प्रॉब्लम सेट 2 में भी क्वेश्चन नंबर 6 कैंसल्ड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है, चूज द करेक्ट आंसर। तो नंबर 6 जो है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स माइनस 5, तो रूट्स वाला क्वेश्चन कैंसल्ड है ये नंबर 6, क्वेश्चन 1 नंबर 6। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कैंसल्ड है, अगेन ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है तो ये कैंसल्ड है क्वेश्चन नंबर 10। फिर आते हैं थर्ड चैप्टर पे। तो एक्चुअली थर्ड चैप्टर में कुछ भी कैंसल्ड नहीं है, थर्ड चैप्टर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा है। तो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है, सारी एक्सरसाइजेस है, प्रैक्टिस सेट्स भी है और प्रॉब्लम सेट भी पूरा है, हाँ? तो ये पूरा, इसमें एक भी चीज कैंसिल नहीं की गई है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा चैप्टर हमको करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आया फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में ये देखिए पेज नंबर 81 पे कुछ कैंसिल नहीं है, पेज 82 पे कुछ कैंसिल नहीं है, पेज 83 पे भी कुछ कैंसिल नहीं है, पेज 84 भी पूरा है, पेज 85 भी पूरा है, इसमें कैंसिलेशन है आगे आएंगे, पेज 86 पूरा है। प्रैक्टिस सेट 1.0, प्रैक्टिस सेट 4.1, चैप्टर 4 का 4.1 प्रैक्टिस सेट पूरा है, ये देखिए 88 भी पूरा है, 89 पेज नंबर भी पूरा है, पेज नंबर 90 भी है, 91 भी है, 92 भी है, प्रैक्टिस सेट 4.2 भी पूरी है। यहाँ से शुरू होता है पेज नंबर 94 से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये कंपोजिशन स्कीम से जो पूरा बॉक्स है पूरा ये कैंसल्ड है पेज 94 पे। पेज 95 है, पेज 96 अगेन IGST इंटीग्रेटेड GST का जो पार्ट आता है वो पूरा कैंसल्ड है, पूरा पेज ही कैंसल्ड है वो पेज 96। पेज 97 भी पूरा पेज कैंसल्ड है, पेज 98 पूरा पेज कैंसल्ड है, पेज 99 भी पूरा पेज कैंसल्ड है, पेज 100 भी पूरा कैंसल्ड है, पेज 101 पूरा कैंसल्ड है, पेज 102 पूरा कैंसल्ड है। तो ये पूरी आपकी एक्सरसाइज भी जो यहाँ पे है प्रैक्टिस सेट 4.3 ये पूरी कैंसल्ड है, ये देख सकते हैं आप। इवन पेज 103 पूरा कैंसल्ड है, पेज 104 भी पूरा कैंसल्ड है, पेज 105 भी पूरा कैंसल्ड है, पेज 106 भी पूरा कैंसल्ड है। तो इतना ज्यादा सिलेबस ये कम हो रहा है। पेज 107 भी पूरा कैंसल्ड है, पेज 108 भी पूरा कैंसल्ड है, प्रैक्टिस सेट 4.4 भी पूरी कैंसल्ड है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट 4A 4B है, तो प्रॉब्लम सेट 4A है पूरा यहाँ पे देखिए। प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पूरा कैंसल्ड है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरा प्रॉब्लम सेट 4B कैंसल्ड है। तो इतना ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा चैप्टर में इतना सिग्निफिकेंट पार्ट रिड्यूस हो गया है, जो काफी अच्छा होगा बच्चों के लिए। चैप्टर 5 है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से कैंसिलेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपको पूरा चैप्टर करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आपको पूरा चैप्टर करना था, प्रोबेबिलिटी भी आपको पूरा चैप्टर करना है। तो सारी प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 पूरा है, 5.4 भी पूरा है और प्रॉब्लम सेट भी पूरा है, इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स में भी इनिशियल पार्ट पूरा है, जैसे हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में देखा, तो इनिशियल पार्ट ये देखिए पूरा है। पेज नंबर 132 पे अज्यूम्ड मीन मेथड पूरा जो है ये कैंसल्ड है पेज 132 पे। 133 पे भी पूरा पेज कैंसल्ड है, 134 पूरा पेज कैंसल्ड है, 135 पूरा पेज कैंसल्ड है, 136 पेज भी पूरा कैंसल्ड है, सॉल्व एग्जांपल्स भी पूरा पेज 137 पे कैंसल्ड है। प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 कैंसल्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कैंसल्ड है। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है 138 पेज नंबर पे। फिर पेज 139 पे कोई कैंसिलेशन नहीं है, 140 पे भी कोई कैंसिलेशन नहीं है,
पेज 141 पे भी कोई कैंसिलेशन नहीं है, 142 भी पूरा है, 143 कोई कैंसिलेशन नहीं है, 144 पे भी नहीं, प्रैक्टिस सेट 6.2 पूरा है, अब देख सकते हैं, इवन प्रैक्टिस सेट 6.3 भी पूरा है, राइट? ये आएगा आगे, प्रैक्टिस सेट 6.4 ये भी पूरा है, ये देखिए, इवन प्रैक्टिस सेट 6.5 भी पूरा है। ये चैप्टर भी काफी स्कोरिंग और इजी है, पाई डायग्राम भी है आपको, यहाँ पे रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम कैंसल्ड है। पाई डायग्राम का इनिशियल पार्ट जो ये देखिए पेज नंबर 158 ये है, रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम वाला पेज जो है 159 पेज नंबर पूरा पेज कैंसल्ड है, 160 का एग्जाम्पल वाला पूरा पेज कैंसल्ड है, 161 पे भी जो लेट्स रिमेम्बर के ऊपर का पार्ट है वो कैंसल्ड है, विथ सॉल्व एग्जाम्पल्स है ये है 162 पे, प्रैक्टिस सेट 6.6 में भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके तीन सब पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सारे चार सब पार्ट्स है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 पूरे कैंसल्ड है। फिर आता है मिसलिनियस प्रॉब्लम सेट 6, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा कंटेंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कैंसल्ड है, आगे आगे ये 14 और 15 पेज 167 पे कैंसल्ड है, क्वेश्चन नंबर 16 और 1 पेज नंबर 168 भी कैंसल्ड है, ये पूरा इतना आपका कंटेंट रिड्यूस हुआ है। तो यही है, तो अभी सिलेबस रिडक्शन के साथ आपको अच्छे से पढ़ाई करके कवरेज करना होगा। विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।